हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखें। आज मैं आपको गर्भ में लड़का होने के 5 लक्षण बताऊंगी। अगर 5 लक्षण आप प्रेग्नेंट हैं और आपके ये मैच करते हैं तो आप इनसे जान सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का ही है। सटीक लक्षण आपको मैं बताऊंगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम गर्भवती महिला के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग तरीके के होते हैं और उनसे आप पता कर सकते हैं गर्भ में लड़का है या लड़की। दोस्तों, ये 100% सही नहीं होते, लेकिन 95% ये सही होते हैं, गलत भी नहीं होते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है, नाभि पर जो नाभि हमारी होती है उसके नीचे लाइन होती है, एक गहरी लाइन होती है, और वह ये जो लक्षण होते हैं 4 महीने के बाद ही पता लगता है। उससे पहले कोई भी लक्षण पता नहीं लगता है, 4 महीने के बाद ही ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नाभि के नीचे एक गहरी लाइन होती है। अगर आपके भी ऐसी कोई गहरी लाइन है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का ही है। ये लाइन जो होती है ये लड़के के टाइम पर ही होती है, बिल्कुल डार्क हो जाती है। दूसरा जो लक्षण है, लड़के के टाइम पर हमेशा कमर में दर्द बना रहता है, पीछे की साइड में दर्द बना रहता है। लड़के के टाइम पर आगे मतलब हल्का हल्का रहता है और पीछे कमर में दर्द ज़्यादा रहता है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा लक्षण यही है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में जो शिशु पल रहा है वह लड़का ही है। तीसरा जो लक्षण है, लड़का हमेशा सीधी साइड में रहता है। अगर आप सीधी साइड से सोना पसंद करती हैं, आपको सुकून महसूस होता है और सीधी साइड में ही लड़का रहता है। वैसे तो लेफ़्ट राइट दोनों साइड में बच्चा जाता है, लेकिन ज़्यादातर सीधी साइड में ही रहता है लड़का जो होता है। इससे भी आप पता कर सकती हैं कि आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ बदलाव है तो आपके जो घर में बच्चा पल रहा है वह लड़का ही है। चौथा जो सिम्टम्स जो होता है, चौथा वह क्या होता है कि सिर में दर्द। हमेशा गर्भवती जो स्त्री है, अगर उसके प्रेगनेंसी के टाइम अगर उसके सिर में दर्द, नॉर्मल सा जो दर्द रहता है वह हमेशा बना रहता है। जब तक बच्चा होता है तब तक वह दर्द बना रहता है। 3.5 महीने के बाद यानी कि 4 महीने के बाद वह दर्द बना रहता है। लड़के के टाइम ये दर्द बना रहता है, ये भी एक लड़का होने का सटीक लक्षण है। इससे भी आप जान सकती हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का ही है। पाँचवा जो लक्षण है वह है कि लड़के के टाइम पर हमेशा भूख अच्छी लगती है, यानी कि जो भी आप खाओगे वह अच्छा लगेगा आपको। और लड़की के टाइम पर खाना अच्छा नहीं लगता। लड़के के टाइम पर सुबह सुबह अगर आपको वॉमिटिंग नहीं होती हैं, उल्टियां वगैरह नहीं होती हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भूख ज़्यादा लगती है, खाने में सब कुछ अच्छा लगता है, स्मेल वगैरह नहीं आती है। जैसे आप रोटी बना रहे हैं उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है, प्याज लहसुन इनमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का ही है। ये मैंने आपको 5 लक्षण बताए हैं। अगर आपके भी इनमें से 3 लक्षण भी अगर आपके सटीक बैठते हैं, मैच करते हैं, तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का ही है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी लाभ हो सके और भी इसकी जानकारी पा सकें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।